नमस्कार, बाजार का हाल मेरे साथ यानी कि कुंदन किशोर काम के साथ। तो आइए आज देखते हैं कि भारतीय बाजार में क्या क्या हुआ। तो निफ्टी आज 160 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स वे 550 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इसके साथ साथ आज बैंक निफ्टी ने भी 250 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। इसके साथ साथ मेटल, आईटी, फार्मा भी मिले जुले ऊपर बंद हुए। तो आइए अब देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या हाल रहा। गोल्ड आज 52,000 के आसपास अभी चल रहा है, सिल्वर 64,000 के आसपास चल रहा है। विक्स में थोड़ी नरमी थी आज। तो आइए अब चलते हैं हम लोग ग्लोबल मार्केट के बारे में। सबसे पहले एशिया मार्केट। एशिया मार्केट में निकाई आज 54 पॉइंट नीचे बंद हुआ, हांगकांग के मार्केट 160 पॉइंट ऊपर बंद हुए, शंघाई भी 22 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो आइए अब देखते हैं कि करेंसी के मार्केट के बारे में। डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपया 20 पैसे मजबूत होके 74 पैसे 80 पर बंद हुआ। तो आइए अब देखते हैं कि आज के टॉप 5 मूवर्स कौन कौन से थे। अल्ट्राटेक, कोटेक बैंक, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड टाटा मोटर्स, ये सभी 7 से 4.5% ऊपर बंद होने में कामयाब हुए। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉप 5 लूजर्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आईसीएस बैंक, एशियन पेंट्स, ओएनजीसी, इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। आइए अब आपको बताते हैं कि आज डीआई और एफआई ने कहां कहां खरीदारी की। तो डीआई ने आज 1000 करोड़ का माल बेचा, वहीं एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने 256 करोड़ की खरीदारी की। तो ये थे डीआई के और एफआई के आंकड़े। आइए अब कल के मार्केट के लिए निफ्टी के सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बारे में आपको बता दूं। तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो 11,500 रहेगा और सपोर्ट लेवल 11,000 सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये थे निफ्टी के जोन। तो आइए अब कुछ मैं आपको टिप्स बता दूं, क्योंकि एक्सपायरी हमारी बृहस्पतिवार को होती है, तो उसके लिए ये फ्यूचर का एक लॉट परचेस करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल या पुट। तो क्योंकि मार्केट थोड़ा अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो 11,400 की कॉल जो अभी 28 रुपए पे चल रही है, उसे आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 15 रुपए और टारगेट हमारा होगा पहला 49 रुपीज, दूसरा टारगेट 66 और थर्ड टारगेट हमारा होगा 99। तो ये थे आज के बाजार के हाल। कल फिर मिलते हैं बाजार के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुंदनकांत को धन्यवाद।